शिव इंटर कॉलेज मरियारीपुर, शिव इंटर कॉलेज मरियारीपुर के यूट्यूब चैनल पर खासतौर से कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले जो है मानव भूगोल, भूगोल विषय के अंतर्गत जो 4 वीडियो बनाए गए थे उन कुछ वीडियो के बाद आगे के जो टॉपिक हैं जिसमें आपने पढ़ा था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र उसी से संबंधित, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन के रूप में जो है भूगोल के, मानव भूगोल का क्या क्षेत्र है, इसके क्या उपक्षेत्र हैं और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों का जो अंतरापृष्ट है, कहने का तात्पर्य कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र और उपक्षेत्र है उसके साथ साथ इसका सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से इसका संबंध है, ये सभी काफी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो पहला आता है सामाजिक भूगोल, सामाजिक सोशल जियोग्राफी सामाजिक भूगोल। इसमें देखें तो उपक्षेत्र के अंतर्गत नहीं लेकिन अन्य जो सामाजिक विज्ञान है तो इसका संबंध सामाजिक भूगोल का मुख्य रूप से देखें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज शास्त्र इसका संबंध माना जाता है। उसके बाद इसके जो उपक्षेत्र हैं खासतौर से सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्रों में देखें या कई भागों में धीरे धीरे बटा है, जैसे व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी में आप समझते हो कि मानव का जो व्यवहार है, व्यवहार में हम अगर सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो यह मनोविज्ञान से रिलेटेड हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि मानव भूगोल जो व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत हम इसका संबंध जो है सामाजिक विज्ञानों में मनोविज्ञान से भी इसका तात्पर्य लगाया जाता है, या कहें कि मानव भूगोल का जो संबंध है वह मनोविज्ञान से भी आधारित है। इसके बाद सामाजिक कल्याण का भूगोल, कल्याण का तात्पर्य जिसमें मानव समाज का मूलभूत से कल्याण हो और इसको हम कल्याण और शासन जो है सामाजिक कल्याण का जो भूगोल है इसको हम कल्याण और शासन के रूप में भी देखते हैं। तो इसका संबंध सामाजिक कल्याण का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल जो है वह कल्याण और शासन से भी संबंधित है। कहने का तात्पर्य कि मानव भूगोल के जो क्षेत्र और उपक्षेत्र है इसके साथ साथ इसका जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो संबंध है इसमें मानव कल्याण के बारे में भी अध्ययन व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसके बाद है अवकाश का भूगोल, तो अवकाश का भूगोल ये मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में आता है। अवकाश का जो भूगोल है जो कि समाज शास्त्र के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि मानव की जो भी दिनचर्याएं हैं या कहीं बड़े व्यापक स्तर पर मानव कभी कभी जो है कुछ कार्य करने के बाद अवकाश या छुट्टियां भी लेता रहता है, तो इसमें हम अवकाश के अंतर्गत या अवकाश का भूगोल के अंतर्गत भी इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है सांस्कृतिक भूगोल, यहाँ पर जो सांस्कृतिक भूगोल है इसमें देखें तो सांस्कृतिक भूगोल में बड़े पैमाने पर समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन ये सभी, यहाँ सांस्कृतिक भूगोल में हम मानव विज्ञान से संबंधित मानेंगे, इसे नहीं ध्यान दें। जो सांस्कृतिक भूगोल है इसमें पूरा का पूरा मानव से संबंधित जो मानव का विज्ञान है उसमें व्यापक तौर पर अध्ययन होता है। उसके नीचे आता है लिंग भूगोल, ये जो लिंग भूगोल है इसका अगर हम देखें तो इसका जो संबंध है वह समाज शास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन। लिंग का तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुष, तो मानव भूगोल में व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर हम देखें तो मानव के अंतर्गत मानव
मानव का, पुरुष का और महिला का, दोनों का, मानव विज्ञान का भी और महिलाओं का भी अध्ययन इसमें व्यापक तौर पर किया जाता है, जो भूगोल के अंतर्गत है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का तात्पर्य यह है, इसका जो संबंध है हम इतिहास से करते मानव भूगोल में व्यापक तौर पर देखा जाए तो मानव का जो ऐतिहासिक जो वर्णन है व्यापक तौर पर हम भूगोल में जो भी हम अध्ययन करते हैं तो जो थोड़े प्राचीन समय के जैसे आज का आधुनिक दौर है अगर मध्यकाल की बात करें या इससे और पीछे की मानव सभ्यता का अगर हम इतिहास करें इतिहास का अगर अध्ययन करें तो अब पूरा का पूरा जो काल का वर्णन मानव का होता है या ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जो हम वर्णन करते हैं उसको हम इतिहास के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञानों के संबंध में है ऐतिहासिक भूगोल का जो संबंध है वह इतिहास से माना जाता है। इतिहास विषय से इसका संबंध ऐतिहासिक भूगोल का रखा गया है। उसके बाद है चिकित्सा भूगोल। ये जो चिकित्सा भूगोल है चिकित्सा भूगोल का तात्पर्य कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो इसका उप क्षेत्र है जिसे हम चिकित्सा भूगोल कहते हैं इसमें मानव के जनित जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं कभी कभी जो महामारियां आती हैं तो इन सबका वर्णन हम चिकित्सा के अंतर्गत करते हैं। और अन्य जो विषय है इसमें महामारी विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जो आप वर्तमान समय में देख रहे हो कि वर्तमान में COVID-19 के दौर के अंतर्गत जो महामारी का दौर है कि आज ऐसा समय आ गया है कि आज हमें ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास लेने पड़ रहे हैं इस COVID-19 महामारी के कारण। तो ये हम चिकित्सा भूगोल में मानव का जो उपचार किया जाता है इन सबका अध्ययन हम चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जहाँ तक पूरा सामाजिक विज्ञान के संबंध में ये सभी मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं इनका अध्ययन आपने अभी देखा कि किस प्रकार से सामाजिक भूगोल कई भागों या कई उप क्षेत्रों में बटा हुआ है और सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका किसके साथ या किन किन विषयों के साथ इसका संबंध है। अब हम आगे चलते हैं नगरीय भूगोल की ओर। नगरीय भूगोल नगरी नाम से ही पता चल जाता है कि नगरों का महानगरों का जो जो वर्णन हम करते हैं वह वर्णन व्यापक तौर पर नगरीय भूगोल के अंतर्गत आता है। इसका कोई उप क्षेत्र तो नहीं है लेकिन अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उसमें नगरीय अध्ययन और नियोजन कहने का तात्पर्य कि हमारे मानव सभ्यता में या मानव भूगोल में किस प्रकार से नगरों का अध्ययन और उनका नियोजन करने का तात्पर्य कि नगर किस प्रकार से बने किस प्रकार से बसे और उनका किस प्रकार से विकास हुआ किस प्रकार से मानव सभ्यता नगरों में निवास कर रही है इन सबका अध्ययन हम नगरीय अध्ययन और नियोजन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद राजनीतिक भूगोल आता है। मानव भूगोल के क्षेत्रों के अंतर्गत जो राजनीतिक भूगोल है राजनीतिक भूगोल का तात्पर्य इसका जो संबंध है अन्य विज्ञानों से या अन्य विषयों से देखा जा तो राजनीतिक भूगोल का जो संबंध लगाते हैं हम खासतौर से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि एक व्यापक तौर पर राजनीति करने का तात्पर्य जो हमारे यहाँ व्यापक तौर पर जो राजनीतिक दल है खासतौर से देश में जो शासन व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से जो है नगरों का निर्माण उसके साथ साथ जो राजनीतिक दल है मानव के मूल अधिकार और कर्तव्य क्या है उन सबका हम वर्णन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है जनसंख्या भूगोल। व्यापक तौर पर देखा जाए तो मानव भूगोल में जो मानव भूगोल का क्षेत्र है उसमें जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत भी इसके टॉपिक को लगाया जाता है। या क्या है मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वह जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। और जो जनसंख्या भूगोल है
जनसंख्या भूगोल का यहाँ पर हम देखें तो जनसंख्या भूगोल का यहाँ जनन की जो अन्य जो विषय है इसका संबंध जनांकी के अंतर्गत किया जाता है। जनांकी में जनसंख्या तो जनसंख्या का तात्पर्य जनांकी जिसमें स्त्री पुरुष की जो जनसंख्याएं हैं। तो जनसंख्या एक बड़ा टॉपिक हमारे इस मानव भूगोल में हो जाता है जिसको हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद है आवास भूगोल। तो आवास भूगोल में देखिए तो निर्वाचन भूगोल या इसको हम आवास भूगोल जो यहाँ पर है इसका कोई उप क्षेत्र नहीं है खास तौर से देखिए तो आवास भूगोल आवास का तात्पर्य कि मानव किस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में अपने आवास को बनाए रहने का जो स्थान है जो मानव की झोपड़ झोपड़ियाँ है या कहें रहने के लिए नगरों का जो निर्माण खासतौर से नगरों में जो आवास बने रहने के लिए मकान या ग्रामीण क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो या कहें कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में मानव निवास करता है वे सभी आवास भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इस मानव भूगोल का जो आखिरी टॉपिक बचा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक बृहद शाखा है जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजें समाहित हो जाती है इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो आर्थिक भूगोल में देखा जाए मानव भूगोल का क्षेत्र है और इसके उप क्षेत्रों में आर्थिक भूगोल को कई भागों में बांटा गया है जिसमें पहला आता है संसाधन भूगोल। संसाधन मानव किस प्रकार से कितने संसाधनों का उपयोग करके मानव विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है ये सभी संसाधन भूगोल के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है। जो व्यापक तौर पर देखें इसका जो संबंध है व्यापक तौर पर इसका जो संबंध आता है संसाधन में अर्थशास्त्र अन्य विषयों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र से इसका संबंध संसाधन भूगोल का माना जाता है। और इस संसाधन भूगोल के बाद जो आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल भी आता है। कृषि भूगोल का तात्पर्य आप देखते हो कि हमारे देश में जो हम अनेक प्रकार की फसलों का जो उत्पादन करते हैं कृषि से संबंधित जो खाद है बीज है उपकरण है या कीटनाशक जो दवाओं का उपयोग करके हम व्यापक तौर पर फसलों का उत्पादन करते हैं इन सबका अध्ययन हम कृषि भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जो कि देखा जाए तो अन्य संसाधनों में इसका संबंध संसाधन और शास्त्र से लगाया जाता है। अन्य जो विज्ञान है इसका हम देखें तो संसाधन और शास्त्र से इसका लगाया जाता है। इसके बाद उद्योग भूगोल। उद्योग का तात्पर्य हमारे देश में अनेक प्रकार के जो औद्योगिक या इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र हैं व्यापक तौर पर जो छोटे बड़े उद्योग धंधे लगाए गए हैं उनसे इसका संबंध है। जो आर्थिक भूगोल है आर्थिक भूगोल में हम छोटे बड़े पैमाने पर उद्योगों का भी अध्ययन करते हैं। छोटे बड़े जो उद्योग धंधे खासतौर से जो नगरों में स्थापित हैं या ग्रामीण क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे छोटे बड़े लघु उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो उन सबका भी अध्ययन हम उद्योग भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और उद्योग भूगोल इसका संबंध देखिए तो संसाधन अर्थशास्त्र से कृषि विज्ञान से लगाया जाता है। उसके बाद है विपणन भूगोल। विपणन उद्योग का हम यहाँ कृषि विज्ञान से संबंधित करते हैं और विपणन जो पर्यटक भूगोल है पर्यटक का तात्पर्य यहाँ हम देखें तो व्यवसाय आखिरी जो है व्यवसाय और शास्त्र या वाणिज्य से विपणन भूगोल का जो विपणन भूगोल है या मानव भूगोल का उप क्षेत्र है। और इस उप क्षेत्र का अन्य जो विज्ञान है उनके संबंध क्या है व्यवसायिक और शास्त्र संबंध है और वाणिज्य से संबंध है। इसके बाद आता है पर्यटन भूगोल।
आर्थिक भूगोल का ये पर्यटन जो भूगोल है इसका जो संबंध है या मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक भूगोल में जो उप क्षेत्रों में या पर्यटन भूगोल के रूप में बटा है तो यहाँ पर्यटन भूगोल को हमने यहाँ पर लिखा है कि या पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन सभी का तात्पर्य कि हमारे देश में जो दूसरे देशों से जो यात्री आते हैं, दूसरे देशों के जो नागरिक खासतौर से घूमने के लिए या कहीं से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए जो हमारे देश में यात्रा करते हैं उनको हम पर्यटन और यात्रा प्रबंधन के रूप में अन्य विषयों से इसका संबंध माना जाता है जिसका अध्ययन हम पर्यटन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और उसके बाद आखिरी जो टॉपिक बचा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल इसका तात्पर्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अन्य विषयों की बात करें तो इस टॉपिक को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल जो टॉपिक है या जो मानव भूगोल का उप क्षेत्र है इसका संबंध जो है सामान्य विज्ञानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टॉपिक से जोड़ा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार कहें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो भूगोल है इसमें व्यापक तौर पर एक देश का दूसरे देशों के साथ जो आयात और निर्यात है जो वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं बिजनेस और व्यापार करते हैं इन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है जिसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज आपको दिखाया कि पाठ एक के अंतर्गत जो मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र है तो विषय क्षेत्रों के अंतर्गत यह टॉपिक जो आज पढ़ाया गया आपको मानव भूगोल के क्षेत्र उप क्षेत्र और इसका सामाजिक विज्ञानों के साथ सहयोगी अनुशासकों का जो अंतर्राष्ट्रीय है अन्य का तात्पर्य कि सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी के रूप में इसका जो टॉपिक है यह काफी महत्वपूर्ण है और इन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और हम यहाँ सभी छात्रों छात्राओं से कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो है स्क्रीन शॉट ले लें क्योंकि पढ़ाते समय आपको हर एक हेडिंग ठीक से दिखलाई नहीं दिया गया होगा यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट आप ले लें जिससे कि आपको इन हेडिंग के अंतर्गत आपको जानकारी हो सके। और आज यहाँ पर मानव भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब इसके आगे हम आपको जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को पढ़ाएंगे और दूसरे वीडियो के पहले आपको पहले पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उस प्रश्नों के उत्तर आपको नोट्स के रूप में भेजे जाएंगे जिसे आप जो है ऑनलाइन कवर करेंगे उस नोट्स को लिखने का पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए जो सूचना है धन्यवाद।